माला डाल लो, हम लोग के यही नेता बनाता है। हमने तो कल लोगों का आह्वान किया सबसे, और सब लोग आए 11 बजे से मौजूद है, बल्कि हमसे पहले से लोग आके बैठ गए थे। मंच पर मौजूद हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अग्रवाल जी, मंच पर मौजूद मेरे बड़े भाई, वो एक अलग सम्मान देते हैं हमको। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, हमारे संगठन को सुचारू रूप से चलवाने में हमारी मदद करने वाले हमारे बड़े पार्टी के नेता वरिष्ठ नेता माननीय के पी शुक्ला जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिनको मंडी काली से लेकर आज तक जानता हूं हम इनको या हमको, मोहतरम जनाब सुरेश यादव जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आज मेरे नितेंद्र यादव जी, और हमारे साथ जब भी हमको अध्यक्ष चलाने में कुछ कभी कभी पूछना पड़ जाता है तो हमारे बड़े भाई और कानपुर ग्रामीण के शानदार अध्यक्ष व्यक्ति लोकसभा की सीट भी जिताने जा रहे हैं अक्सर सीटी जनाब मनीष शुक्ला जी, मंच पर मौजूद पार्टी के प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य माननीय राजीव शर्मा जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई जनाब नजीरुद्दीन साहब, पार्टी अभिनंदन समारोह एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आहूत है जिस पर हाल ही में आदरणीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी ने राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय सचिव बनाकर के अपना जैन जी को भेजा है, इनका भी यहाँ बहुत भव्य स्वागत होना है जिसपे आप सभी सादर यहाँ आमंत्रित हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ लगभग मंच हमारा पूरा भरने वाला है, मैं समझता हूँ आप सभी समय से यहाँ पधारे, इसके लिए आपको समाजवादी पार्टी की ओर से हम सब की ओर से बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं चाहूंगा एक बार तालियों से अपने के बैठे बैठे बगड़ाहट से सभी का स्वागत करें, धन्यवाद। साथियों अभी चौबे बाबा जी जब बोल रहे थे तब वो बहुत रुंधे गले से कुछ बातें कह रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर उनकी बातों में कहीं ना कहीं बहुत जान थी। बार बार ये कह रहे थे कि कार्यकर्ता का सम्मान, कार्यकर्ता की इज्जत, अब ऐसा है जब मुझे जिम्मेदारी दे दी जाती है तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उस पद का निर्वहन करते हुए निश्चित तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए काम करूं, अन्यथा फिर मुझे काम को जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए। यही हर व्यक्ति का एक मेरे ख्याल से उद्देश्य होना चाहिए। आप अगर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं या किसी अन्य संगठन से जुड़े हैं, पहचान तभी होगी जब आप कुछ काम करेंगे। बिना काम के साथियों कोई पहचान किसी की बनती नहीं। कई बार यही इसी काम को महानगर से, इसी कार्यालय से, नगर के और ग्रामीण से बहुत साधारण से कार्यकर्ता राष्ट्रीय पदाधिकारी बने, आप सबको पता है, उनके नाम भी पता है। किसी एक का नाम लेंगे तो गलत होगा क्योंकि बहुत सारे लोग, कई लोग, मैं सम्मान करता हूं, उनका स्वागत करता हूं जिन्होंने राष्ट्रीय पद तक पा करके समाजवादी पार्टी को लाइन में पद में करके समाप्त करूंगा। जो मैं अक्सर कहता हूं क्योंकि बोलने के लिए तो यहां अगर लगातार हम जैसे लोगों को तो चाहे जितने बुला लिया जाए, जिसको बुलाया जाए, यहां सभी कार्यकर्ता बोलने वाले हैं, सभी नेता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी के पास सब कुछ सामग्री है जो बहुत सारी बातें यहां कही जा सकती हैं, लेकिन मैं एक बार बात कह करके यहां समाप्त करूंगा। आप सभी का
इस बात के लिए स्वागत है कि आप इस कार्यक्रम में आप आए। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत आवश्यक थी, प्रार्थनी थी, आपने अमूल समय दिया। साथ ही जो मैं पहले कह रहा था फिर से कहूंगा, पद के रूप में आपके बीच में तो पंक्तियां मेरी बहुत सारी हैं, लेकिन लास्ट पंक्ति कहूंगा जिससे आप सभी मोटिवेट भी होते हैं और ध्यान रखें इस बात का कि कई बार हम कुछ भी करते हैं, हर काम, जैसे हर परीक्षा पास होने के लिए दी जाती है, हर काम अच्छी तरह से सफल हो जाए, संपन्न हो जाए, इसके लिए किया जाता है। तो ये अंतिम पंक्तियां हैं कि असफलता एक चुनौती है। कार्यक्रम करें, कार्य करें और शायद सफल ना हो पाए तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना, कुछ किए बिना जय जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद।